हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं बायोलॉजी। आप लोगों को बायो के कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना जा रहा हूं। और यू नो द फर्स्ट चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस। सो वी शैल स्टार्ट लाइफ प्रोसेसेस टुडे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट लाइफ प्रोसेसेस कि एग्जैक्टली व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, किसे कहते हैं लाइफ प्रोसेस, क्या होता है लाइफ प्रोसेस। बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस व्हाट एवर इट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी फॉर आवर सर्वाइवल, यानी कि हमें जिंदा रहने के लिए इस अर्थ पर किस तरीके से हम अपना सर्वाइवल बनाए रखें, किस तरीके से हम अपने वेरियस बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, हमारी बॉडी मूवमेंट करती है, हम खाना खाते हैं, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, हम सांस लेते हैं, लंग्स अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, पूरा ट्रांसपोर्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर, पता नहीं क्या क्या, दैट एवरीथिंग इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। सो आई विल टेल यू टुडे व्हाट इज एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली वी शैल डिवाइड द होल टॉपिक इंटू फोर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स। द वन थिंग इज न्यूट्रिशन। बच्चों देखिए, पीछे लगी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन ये एक चीज हुई न्यूट्रिशन, यानी कि जैसा आप लोग जानते हैं, वट एवर यू नो, वी इनटेक आवर फूड, वी टेक फूड, देन वी गेट एनर्जी, देन ओनली वी कैन परफॉर्म आवर वर्क, राइट। तो पहली चीज हो गई कि हमें जो न्यूट्रिशन है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस समझना है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी व्हेन वी इनटेक आवर फूड। दूसरी चीज जो मैं लाइफ प्रोसेस में आज आपको पढ़ाऊंगा वो है रेस्पिरेशन। हम सांस लेते हैं, वी इनटेक ऑक्सीजन, हम सांस बाहर निकालते हैं, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ये ऑक्सीजन हमने अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल किया, कैसे हो गया ये सब? ऑक्सीजन O2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, यानी उस ऑक्सीजन के अंदर उसके पहले कार्बन आकर के जुड़ गया। ये कहां से आ गया भाई, फ्रॉम वेयर इट इज कम? तो दिस इज अनदर थिंग जो आज आपको मैं रेस्पिरेशन में पढ़ाऊंगा। चलिए तीसरी चीज आती है ट्रांसपोर्टेशन। अरे भाई ये क्या है, ट्रांसपोर्ट तो सड़कों पे होता है, ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स का के थ्रू होता है, या ट्रांसपोर्ट एयर के थ्रू होता है एरोप्लेन्स में, या फिर हम चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स के जरिए ओशंस में। ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कहां से आया? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट आया क्योंकि हमने जो भी खाया, इट गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। सो अगर हमारी बॉडी की हर सेल तक कोई चीज पहुंच रही है तो सर्टेनली वी आर हैविंग ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन आवर बॉडी। तो हमें तो ट्रांसपोर्टेशन भी आज आपको पढ़ाना पड़ेगा। और जो लास्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मींस रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन, लाखों रिएक्शंस चलती रहती है, केमिकल रिएक्शन चल रही है हमारी बॉडी में, चल रही है हमारी बॉडी के अंदर इनडेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स है, और हर सेल के अंदर ना जाने कितनी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। एंड दिस इज श्योर कि हर रिएक्शन के साथ कुछ ना कुछ वेस्ट बनता है, एंड दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इट इज एसेंशियल बिकॉज इट इज ऑलवेज टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी। हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है अगर कोई भी वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर रह जाता है। सो इट हैज टू बी रिमूव्ड, एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो वन बाय वन वी शैल डिस्कस अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक न्यूट्रिशन फॉर यू, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज न्यूट्रिशन? बच्चों से पूछते हैं, बच्चों न्यूट्रिशन क्या होता है? बच्चे कहते हैं हम खाना खाते हैं, दिस इज न्यूट्रिशन,
राइट एक बच्चे से पूछेंगे यही बोलेगा, बट यू आर क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स, राइट। आप लोग अगर मुझसे ये कहोगे कि हम खाना खाते हैं, दिस इज न्यूट्रिशन, एक बच्चा जो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, इफ ही सेज इट्स ओके, बट यू नो आपको थोड़ा सा इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, न्यूट्रिशन कोई खाने की चीज नहीं है। सबसे पहली बात आप लोगों को जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो ये है कि न्यूट्रिशन खाने की कोई चीज नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस बाय विच वी इनटेक आवर फूड, राइट, वी यूटिलाइज दिस फूड एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम दिस फूड एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, राइट। तो न्यूट्रिशन कोई चीज नहीं है, न्यूट्रिशन इज नॉट ए थिंग, न्यूट्रिशन इज नॉट द फूड, न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस, दैट यू हैव टू अंडरस्टूड। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। नाउ द पॉइंट कम्स कि आई विल टेल यू नाउ, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हमें समझना है तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इसके मोड्स के बारे में देखें। व्हाट आर द मेजर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड आई नो दैट यू नो कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं। नंबर वन मोड इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। I think this is very much clear on this screen now. Autotrophic nutrition and the second mode is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means अपना food खुद prepare करना, और heterotrophic nutrition means जो अपना food खुद prepare नहीं कर सकते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। तो दूसरे पर डिपेंड करना अपने फूड के लिए, दिस इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिस्कस अबाउट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मींस एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइजेस देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक water and carbon dioxide. Anybody can give any example? Yes, बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे इस बात के लिए, क्योंकि सभी को पता है plants, class 8 में पढ़ा था, 6 में भी पढ़ा और 7th में भी पढ़ा कि green plants अपना food खुद prepare करते हैं, they prepare their food themselves and you know this is the best example of autotrophic nutrition. हालांकि green plant के अलावा बहुत सारे ऐसे micro organisms भी हैं जो अपना food खुद prepare करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम green plants के बारे में। Green plants कैसे prepare करते हैं, देखिए process, किस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच द फूड प्रिपेयर बाय द ग्रीन प्लांट्स। फोटो, फोटोन मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस इज द परफेक्ट टर्म फॉर दिस थिंग। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई बच्चों कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है कि भाई ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये फूड कहां पर प्रिपेयर होता है, तो बच्चों फूड प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट्स में जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं। ओके, ग्रीन प्लांट्स में जो पत्तियां हैं उनके अंदर पाया जाता है उनकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट
फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, तो मेन साइट फूड प्रिपेयर करने की है क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। ये बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अभी मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, और फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल, एंड दिस क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है रॉ मटेरियल क्या चाहिए। वेरी सिंपल, वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वी नीड वॉटर एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो दो चीजों की प्रेजेंस होती है बच्चों, वन इज सनलाइट एंड सेकेंड इज क्लोरोफिल। इन दो चीज की प्रेजेंस में दो रॉ मटेरियल है, क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बनता क्या है, हमारा फूड बनता है, और साथ में बाय प्रोडक्ट जो बनता है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनती है बच्चों, और वो ऑक्सीजन वी एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर रेस्पिरेशन। तो बात आप लोग समझ गए होंगे क्लोरोप्लास्ट। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट नाउ। दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब बच्चों देखेंगे ध्यान से क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखिए, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर थायलेकॉइड, देखिए आपको बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स एक के ऊपर एक स्टैक फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, एंड दीज डिस्क दे आर कॉल्ड यू नो थायलेकॉइड। और यही थायलेकॉइड है जहां पर फोटोसिंथेसिस का बहुत बड़ा हिस्सा पूरा होता है, राइट? नीचे के डायग्राम में आपको स्टोमेटा दिखाई दे रहे हैं, या ये स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स है, दीज आर द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, राइट? तो लीफ की सरफेस पे मौजूद पोर्स इनकी क्या हेल्प कर सकते हैं, ये पोर्स ऑब्वियसली। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से जाएगी, गैस का एक्सचेंज इन्हीं पोर्स से होगा, सेल्स तक पहुंचेगी, राइट? वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स। ओके, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे विल रिएक्ट ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, देन दे विल फॉर्म फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, आई टेल यू, C6H12O6। दिस इज द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे की तरफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे पूरा होता है। थैंक यू।